क्या कह रहे हैं आप बलदेव? सच? हाँ जहांपनाह, वो पूरे महल में अपनी मनुष्यता फैलाता जा रहा है। मुझे पता है फूफू, पिताजी पहली बार बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं भी उस मनुष्य की मनुष्यता का शिकार हुआ हूँ फूफू। अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर, ये देखिए उस मनुष्य की वजह से हमें कहाँ कहाँ चोट आई, पैरों में, सर में, आंख में। आप उठिए, उठिए। नहीं, हम ठीक हैं, तुम बैठो, बैठो, बैठो। छोड़िए। क्या छोड़े? इनका दर्द देखना छोड़िए और हमारी तरफ देखिए। हाँ, उठो उठो, अरे दर्द हो रहा है उन्हें। बैठो, उर्वशी आओ, आओ, बैठो, बैठो, बैठो। नहीं, छोड़िए। क्या छोड़े? इस तरह रोना छोड़िए। जहांपनाह, वो सचमुच मनुष्य है। आपको पता है, हम नृत्य कर रहे थे और जैसे हमने उसकी शक्ल देखी, हमारे पैरों में मोच आ गई। पैरों में। उर्वशी सही कह रही है जहांपनाह। ये आपकी सुरीली आवाज को क्या हो गया तानसेन? क्या बताओ जहांपनाह, सवेरे सवेरे वो मनुष्य क्या दिख गया, मैं दवा की बजाय सिंदूर पी गया। मनुष्य तो कुछ ज्यादा ही मनुष्य है। पहले हमें चोट आती है, फिर आपको मोच आती है। अब्बा हुजूर, इस चोट और इस मोच के बीच में हम भी हैं। हाँ, आप तो हर चीज के बीच में हैं। हमारे और आपकी अम्मी के बीच में भी आप ही हैं। हाँ, और कभी कभी मेरे और उर्वशी के बीच में। ये सब हो रहा है उस एक मनहूस आदमी की वजह से। ये मनहूस आदमी हमारी रियासत के लिए बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पर हम में से किसी को चोट आ रही है, किसी को मोच आ रही है, किसी की आवाज चली जाती है। इस मनहूस आदमी का हमें कुछ करना होगा। आप लोगों को क्या लगता है, इस मनहूस आदमी के साथ क्या किया जाए? इस आदमी को फांसी दी जाएगी। ताली नहीं बजा रहे हैं, सिपाहियों को बुला रहे हैं। सिपाहियों, उस मनुष्य आदमी को पकड़कर आज रात उसे फांसी दे दी जाए। ये हमारा हुक्म है और हुक्म की तामील हो। बता तो दिया हुक्म, खड़े क्यों? जाओ, जाकर उसे कालकोठरी में डाल दो। जाओ। जी जी जी। आखिर में जहांपनाह ने उसे फांसी देने का इरादा कर लिया है। क्या? हाँ, लेकिन आप इतने आश्चर्यचकित क्यों हो रहे? क्या आप नहीं चाहते कि जिसकी वजह से उर्वशी के पैरों में मोच आई, उसे फांसी हो? उर्वशी, एक बात बताइए कि आज से पहले कभी आपके पैर में मोच नहीं आई? छोड़िए, पैर की मोच छोड़िए, हमारे तो दिल में मोच आ जाती है जब भी आपकी नजरें हमारे दिल से टकराती है। ये तो हम भी सोच रहे हैं। हमारे दिल के बारे में? उस इंसान के बारे में। उर्वशी, आप ही सोचिए, किसी इंसान की शक्ल मनुष्य कैसे हो सकती है? इंसान की शक्लें तो ऊपर वाले भगवान ने बनाई, और भगवान की बनाई हुई चीज मनुष्य नहीं हो सकती। उर्वशी, हम आपसे मिलने की इच्छा में यहीं राजमहल में सो गए, और सुबह सवेरे हमने भी उसी इंसान की शक्ल देखी जिसकी शक्ल आपने देखी। हमारे साथ तो कुछ भी मनुष्य नहीं हुआ। खान सामे ने हमें बढ़िया नाश्ता खिलाया, हमें आपसे मिलने की इच्छा थी, हम आपके सामने हैं, हमारी सारी इच्छाएं तो पूरी हो गई। हमारी इच्छा भी पूरी कर दीजिए, हमें भी गले लगा लीजिए। ऋषि, हम आपको तो गले लगा लेंगे, लेकिन उस बेचारे इंसान के गले में फांसी का फंदा पड़ जाएगा। बेचारा मनुष्य कहीं का। हे भगवान, मुझे बचा ले, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं मरना नहीं चाहता। बचाने भगवान, मुझे बचा। राजा बीरबल, आप तो राजा बीरबल है ना? जी। मैंने सुना है आपके पास हर समस्या का हल है। भाई साहब, बीरबल हूँ, भगवान ने कोशिश करता हूँ कि हर समस्या सुलझा सकूं। मुझे बचा लीजिए, इस मनुष्य को बचा लीजिए। राजा बीरबल, मैं मरना नहीं चाहता।
आपकी समस्या का हल तो आपके पास ही। मेरे पास? जी आपके पास, आपकी अंतिम इच्छा। अंतिम इच्छा?